सीएम शिवराज आज मध्य प्रदेश में इंदौर के दौरे पर हैं। यहां सीएम शिवराज ने इंदौर में पीएम स्वनिधि एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के हितग्राहियों से संवाद कर उनका अनुभव जाना और विचार साझा किए। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने गुंडे बदमाशों माफियाओं के कब्जे से जमीनें मुक्त कराई हैं, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस जमीन पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। गरीब का कल्याण ही हमारी प्राथमिकता है। देखो, सरकार वैसे तो सबकी है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री की, भाजपा की सरकार की योजना सबके लिए, लेकिन आज मैं ऐलान कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे लिए गरीब भाई और बहन है, गरीब जो सबसे नीचे और सबसे पीछे है, और पथ विक्रेता उनमें से वो है जो अपने खून पसीने की खाते हैं। आप बताओ, अगर ये हाथ ठेला वाले हाथ ठेला पे बेच के सब्जियां ना बेचे, हाथ ठेला पे रख के, तो बताओ इंदौर वालों को सब्जियां मिल सकती है क्या? अरे बोल के बताओ, मिल सकती है क्या? हम सब्जी पहुंचाते हैं, हम फल पहुंचाते हैं, हम किराने की हर मोहल्ले में छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, हम अलग अलग छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। कोई छोटे कपड़ा बेचता है, एक ने बताया फेरी लगा के कपड़े बेचता हूँ। सचमुच में अगर लोगों की जिंदगी चलती है तो उसमें बड़ा योगदान आपका है, पथ विक्रेताओं का है, और इसलिए आप कम महत्वपूर्ण हैं। आप अगर दो दिन भी काम करना बंद कर दो तो लेने के देने पर जाएंगे बड़े बड़े साहबों के और बड़े बड़े लोगों के। मेरे मेहमान भाई, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत महत्वपूर्ण मानती है। और पथ विक्रेता की जो योजना कोविड के समय प्रारंभ हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही पथ विक्रेता योजना बनाई, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर मुझे लगा कि गांव के पथ विक्रेताओं के लिए भी योजना चाहिए, तो हमने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना बनाई। और आज आपने सुना, अभी तक लगभग 94,000 लोगों को इंदौर जिले में, गांव और शहर में मिला इस योजना का लाभ मिला है, लेकिन अभी कई बचे हैं, तो जो बचे हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जोर से बताओ। अरे एक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से एक अभियान हम चलाने वाले हैं, पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले। मेरे विधायक साथिया बैठे, अपने अपने क्षेत्र की वो योजना बनाएंगे। अब हम तय करेंगे कि कैसे हम शिविर लगा के योजनाओं का लाभ दें। देखिए, सबसे पहली चीज है हमारा काम धंधा चले। आप तो खून पसीने के खाते हो, दिन और रात मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, तब लोगों को भी खिलाते हो और खुद भी खाते हो, तो अपन खून पसीने के खाने वाले। लेकिन खून पसीने के खाने वाले ये लोग इज्जत के साथ अपना काम कर पाए, अपना धंधा कर पाए। और ये बड़े शहरों में जरूरी दोनों चीजें, शहर की व्यवस्था भी जरूरी है, सड़कों पर यातायात चलता रहे, शहर स्वच्छ रहे, ये भी जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि गरीब को पूरी इज्जत मिले और वो अपना काम धंधा कर सके, हाथ ठेला वाले भी। ठीक बात है जी ने? और काम भी आपने हाकर बनाए, लेकिन लोगों को जहां व्यापार चले वहां स्थान चाहिए, इसलिए मेयर साहब, नगर निगम के बाकी अफसर और हमारे जनप्रतिनिधि साथी, आप बैठ कर मिलकर तय करें कि और कौन कौन से स्थान हो सकते हैं जहां हाथ ठेला तो फल सब्जी बेचने वाले अपना कारोबार कर सके, इज्जत के साथ, मान के साथ और सम्मान के साथ, उनको परेशानी ना हो। दूसरी चीज क्या हम ये सोच सकते हैं कि कॉलोनी में घूमे, और कॉलोनी में तो कोई ट्रैफिक उतना होता नहीं है, तो कॉलोनी में हाथ ठेला पे जाने में हमें क्यों परेशानी होनी चाहिए? क्या व्यवस्था ऐसी बनाई जा सकती है कि जिससे कॉलोनी में भी हाथ ठेला में फल बेचे, सब्जी बेचे, फेरी लगाने वाले फेरी लगाए, उसकी भी हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे गरीब की इज्जत के साथ रोजी और रोटी चल सके। बोलो सही बात है? आप बताओ सही बात है? अभी मैंने पूछा सबसे कि कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन मैं जानता हूं दिक्कत होती है, और वो दिक्कत दूर करना मेरा फर्ज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धर्म है। इसलिए यह पथ विक्रेता का हमने अलग तरह का कार्यक्रम किया है।
हम आज इंदौर की धरती से इंदौर वाले ये तय कर रहे हैं कि जो गरीब बरसों से जहां रह रहा है वहां पट्टा देके उस जमीन का मालिक उसको बनाया जाए। और एक बात और सुन लो बहनों में, पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं पे जो ऐसे लोग थे जिन्हें जमीने दबा रखी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करके और कई जगह तो बुलडोजर चलाए, बुलडोजर चला के कितनी जमीन खाली करवाई है पता है? 21,000 एकड़ जमीन खाली करवाई है पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर जिला भी उसमें शामिल है। अब इस जमीन पे 21,000 एकड़ जिसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया, इस पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, सुराज कॉलोनी बनाई जाएगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।